गाइस गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। और मानता हूँ आज का व्लॉग शुरू हो रहा है रोड से, आपको सुनाई नहीं दे रहा होगा। एक्चुअली क्या है ना, अभी हम जा रहे हैं मामू के घर। और जो अमावस्या गुरुवार में जो पूजा होता है ना, जो लक्ष्मी पूजा होता है, उसमें जो चावल पूजा होता है वो खाने के लिए बोला जाता है। वो सिर्फ अपनी फैमिली मेंबर खा सकते हैं, जो ब्लड लाइन होता है वो खा सकते हैं। तो मेरी मम्मी तो उसी ब्लड लाइन से, हम उनके बच्चे तो वही ब्लड लाइन है, इसलिए हम खा सकते हैं, इसलिए हम वहीं पर जा रहे हैं। गाइस अभी फाइनली घर आ चुके हैं, और क्या बताऊं, आपको तो दिख रहा होगा इतना पसीना हो चुका है, और बाहर इतनी गर्मी, ऊपर से ये जो ट्रैफिक्स, आपको पता ही होगा अभी चल रहा है इलेक्शंस, लोकसभा इलेक्शन जो भी चल रहा है। तो इलेक्शन के टाइम पे जो होते हैं ना पॉलिटिशियंस होते हैं, जो जो खड़े होते हैं इलेक्शन में, वो लोग गांव से या दूर दूर जगह से बहुत से भर भर के लोग लेके आती है, मेरे इतने लोग है, ये सब चलता है भाई। इसलिए बोलता हूँ पॉलिटिक्स बहुत गंदा है, मतलब दुनिया का सबसे गंदा काम है पॉलिटिक्स, और ये चल रहा है। तो इतनी गाड़ियां लेके आ रही है भीड़ में, इतनी भीड़ क्या बताऊं तुम लोग को, और इतनी गर्मी भाई। फाइनली अभी आ चुके, हम बात क्या कर रहे थे, हम बात ये कर रहे थे कि ये जो गुरुवार पूजा होता है मानवसा गुरुवार, उसमें जो चावल की पूजा होती है वो खाने के लिए आए। ये ब्लड लाइन नहीं खाते, क्योंकि जैसे मेरी मम्मी इसी घर से, मैं उनका बेटा हूँ, तो हमारा एक ही ब्लड हुआ ना, तो हम खा सकते हैं, इसलिए आए हैं। और दूसरी बात, ये जो गुरुवार चावल खाते हैं ना, ये जो चावल की भगवान को पूजा किया होता है, तो आप इसे डाइनिंग टेबल के ऊपर बैठ के नहीं खाओगे, आपको नीचे बैठ के ही खाना है। जैसे आप जिस प्लेट में खा रहे हो, एक भी चावल ऐसे क्या छोड़ नहीं सकते, आपको पूरा क्लीन करना पड़ेगा, नीचे मत गिराना, ये सब रूल्स होते हैं। ओडिशा के लोगों को तो पता होगा, ओडिशा के बाहर आप क्या होता है क्या होता है मुझे नहीं पता, पठा ऐसा तो हमारे यहाँ होता है। गाइस अभी लंच करके आ चुके हैं, और अभी आपको मेरे फेस पे इतना पसीना नहीं दिख रहा होगा, पर अभी लंच करके आए हैं, तो लगभग 15-20 मिनट अभी खाए हैं ना, थोड़ा रेस्ट, मतलब बैठेंगे रेस्ट करेंगे, फिर हम घर, सॉरी यहाँ से लाइट आ रहे हैं, हाँ फिर हम घर निकल जाएंगे। और बताओ भाई, आपको धूप का अंदाजा दिखाऊं, रुको निकाल यार, दिख भी नहीं रहा है इतनी धूप है। सोच रहा हूँ छत पे जाकर फोटो खींच लूं, थंबनेल भी तो यही रखने वाला है ना, आज कितना धूप है। जो बोल रहे हैं ना उड़ीसा में गर्मी नहीं लगती, एक बार उड़ीसा आके देखो भाई, जान निकल जा रही है हमारी। हाँ हो गया, मतलब तुम लोग को भी ऐसा बताऊं, अभी मैं जिस रूम पे, इस रूम पे तो ऐसी नहीं है, जहाँ पे मैं अभी खाना खा रहा था उस रूम पे ऐसी था, पर यहाँ पे तुम लोग को कैसे बताओ, यहाँ टेम्परेचर का मशीन भी तो नहीं है। ओके तो चलो अभी रेस्ट करते हैं, फिर 10-15 मिनट के बाद घर जाने के लिए निकल जाएंगे हम। गाइस अभी छत पे आ चुके हैं, देख सकते हो कितना धूप है, आपको मतलब मोबाइल में कैसे बताऊं, मतलब मैं फील तो कर पा रहा हूं गर्मी। तो यहां पे पहले एक फ़ोटो खींच लेता हूं थंबनेल के लिए, फिर नीचे चला जाऊंगा भाई। एक सेकेंड ना भाई, इतनी गर्मी हो रही, पैर भी नहीं रखा जा रहा है नीचे, तो मैं कोशिश करूंगा एक फ़ोटो मिल जाए बस थंबनेल के लिए। गाइस फाइनली अभी हम घर पे आ चुके हैं, और अभी टाइम हुआ है देख सकते हो 3:44, और एक्चुअली क्या है ना, जब भी धूप कम हुआ ना तभी हम निकले भाई, इतनी गर्मी में मेरे से हिम्मत ही नहीं हो रहा था घर जाने के लिए, पर घर जाने के लिए वहां से निकलने के लिए, तो हम जैसे धूप थोड़ा कम हुआ वहां से निकल गए। मतलब अभी धूप नहीं है पर गर्मी तो अभी भी लग रही है, ह्यूमिडिटी ज्यादा है यहाँ पे, तो थोड़ा मैं जाता हूँ फ्रेश हो जाता हूँ, फिर आपसे बात करता हूँ। गाइस अभी मैं फ्रेश होने जा रहा था, अचानक बारिश शुरू हो गया हमारे यहाँ, मैं आपको तुम लोग को दिखाता हूँ यार, तुम लोग को दिख रहा है बारिश, मतलब हाँ इतना क्लियर से तो नहीं दिखेगा, पर मेरे से जितना हो रहा है दिखा रहा हूँ, मेरे सॉरी हाँ अभी दिख रहा है, पानी गिर रहा है, कैसे दिखाऊं यार, कहाँ से दिख रहा है, दिख रहा होगा यार शायद, ये बारिश की नहीं, गीता गाना नहीं गाना, स्ट्राइक आ जाएगा, दिख रहा है, बारिश तो हो रही है फिर भी गर्मी तो लग रही है भाई, बारिश थोड़ा स्लो हो गया, चलो कोई बात नहीं, एटलीस्ट बारिश तो हुआ तो गर्मी थोड़ा कम होगा। दर्शकों मैं अभी फ्रेश हो चुका हूँ, और पता है अब क्या हुआ है, मेरे फ्रेश होने में कितना टाइम लगा, ज्यादा से ज्यादा 5 मिनट, और बारिश भी रुक गई, दिख रहा है बारिश भी रुक गई, मतलब सिर्फ बारिश भी लगभग 5 मिनट ही चला। तो अभी हो चुका है शाम के, आप देख सकते हो 4:01 हो चुके हैं, और अब मैं क्या करने वाला हूँ भाई, रेस्ट लेने वाला हूँ, मतलब अभी आया हूँ ना कपड़े चेंज करो घर के कपड़े में, अभी थोड़ा ऐसे बेड पे सो जाऊंगा, मतलब इस रूम पे नहीं, जिस रूम पे ऐसी है उस रूम पे जाके बेड पे ऐसे लेटूंगा शांति से,
फिर हम शाम को जब मामू के घर फिर जाएंगे आपको दिखाऊंगा। गाइस अभी टाइम हो चुका है, आप देख सकते हो रात के 7:56, लगभग 8 बजने वाला है और अभी हम निकल रहे मामू के घर जाने के लिए। मैं और जुबली अभी यहाँ से निकलेंगे मामू के घर जाने के लिए, वहां जाके सिर्फ डिनर करके आ जाएंगे। मम्मी पहले से वही आते हैं और मम्मी मैं और जुबली हम तीनों आएंगे। चलो जल्दी से, जितनी जल्दी जाएंगे उतनी जल्दी वापस भी आएंगे। मतलब अभी जाते हैं 8 बजे ही नहीं, लगभग 9 बजे डिनर करके आ जाएंगे। अगर हमारे घर पे हम करते तो लगभग 10:30 ऐसा हो जाता। गाइस अभी हम आ चुके हैं, चलो फिर आपको खाते वक्त मिलूंगा भाई, अभी को ब्लॉग बनाने का मूड ही नहीं है, आलस आ रहा है। गाइस अभी टाइम हो चुका है रात के 9:13 और अभी हम निकल रहे हैं घर जाने के लिए। चलो घर जा के ब्लॉग को एंड कर दूंगा। गाइस अभी फाइनली हम घर पे आ चुके हैं और अभी टाइम हुआ है रात के 9:23 और मैं आपको बता दूं दोस्तों, अगर आपको मेरा ये ब्लॉग पसंद आया हो तो इस ब्लॉग को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मैं आपको मिलूंगा अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय।